Hello everyone, the next topic in operating system tutorial is disk scheduling algorithm. So the second algorithm is shortest seek time first, SSTF. FCFS में हम क्या देख रहे थे, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम फुलफिल करते जा रहे हैं बिना ये देखे कि ट्रैक की मूवमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है कितनी कम हो रही है. जो रिक्वेस्ट पहले आएगी वो पहले फुलफिल होगी. लेकिन यहाँ पर अब उसकी क्या डिसएडवांटेज थी कि हमारा सीक टाइम बहुत ज़्यादा आया था, ट्रैक मूवमेंट्स का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा आया था, 632 आया था. तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो नियरेस्ट रिक्वेस्ट हैं ट्रैक्स उनको पहले फुलफिल करो, ये मत देखो कि कौन सी रिक्वेस्ट पहले आई थी. से सपोज हमारे इस एग्जाम्पल में जैसे जैसे रिक्वेस्ट आई हुई हैं तो आप ये देखो कि जो ट्रैक्स आसपास हैं पहले उन ट्रैक्स की मूवमेंट्स को फुल उन ट्रैक्स पे आप चले जाओ, अपने रीडायरेक्ट हेड को वहाँ पर ले जाओ. सो अभी करंटली ये दो चीज़ें गिवन है, ये ट्रैक रिक्वेस्ट हैं, ये 53. अभी करंटली हमारा ट्रैक जो है वो रीडराइट हेड जो है वो 53 पे. तो सीक टाइम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम क्या बोलते हैं, अभी करंट आपका रीडराइट हेड यहाँ पर है तो आप उस ट्रैक पे जाओ जो 53 के नियरेस्ट है. जैसे कि 65, तो आप पहले 65 पे जाओ, उसके बाद चेक करो 65 के नियरेस्ट कौन है, 67 है. 67 के बाद नियरेस्ट कौन है, 41 है, तो आप 41 पे जाओ. 41 के बाद नियरेस्ट कौन है, 14 है. 14 के बाद नियरेस्ट कौन है, 98 है, तो 98 पे जाओ. उसके बाद नियरेस्ट कौन है, 122. उसके बाद नियरेस्ट कौन है, 124. बस तो इस उसके बाद आई थिंक 183 रह गया. 124 के बाद नियरेस्ट कौन है, 183. तो इस तरह से करना है हमें ताकि ट्रैक की जो मूवमेंट है वो कम से कम हो, टाइम कम से कम लगे मूव करने का. मतलब अगर वो 65 पे है ट्रैक तो 67 पे जाने में उसको कम टाइम लगेगा. तो इस तरह से हम SSTF को यूज़ करके इस एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं ताकि हमारा जो मूवमेंट है उसका टाइम जो है वो कम लगे. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल ट्रैक मूवमेंट कि पहले इनिशियली 53 पे था हमारा रीड राइट हेड, उसको 65 से मूव करने में कितना टाइम लगा, 65 माइनस 53 विच इज 12 प्लस, देन 65 से वो 67 पे गया तो 65 से 67 पे जाने में 67 माइनस 65 विच इज 2. सो दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रैक मूवमेंट लाइक दिस एंड फाइनली द ट्रैक मूवमेंट आई है वो आई है 236 विच इज़ द आंसर. तो ये बेटर है FCFS से, उसमें हमारा 632 टाइम लगा था, इसमें हमारा बहुत कम टाइम लगा, दैट इज़ 236. तो बेसिकली FCFS क्या कहता है, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही है जो रिक्वेस्ट पहले आई उसको ही पहले फुलफिल करना है. मतलब 98 पहले आएगी तो 98 को ही पहले फुलफिल करना है, चाहे हमारा ट्रैक कहीं पे भी हो, रीड राइट हेड कहीं पे भी हो. सीक टाइम क्या कहता है कि आपका अगर हेड यहाँ पर है 53 के नियरेस्ट जो भी हैं पहले उनको फुलफिल करो, 65, 67, फिर 67 के नियरेस्ट कौन है, 41, फिर उसके नियरेस्ट, मतलब ऐसे करने से आपको टाइम कम लगेगा. सो दिस इज SSTF. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. थैंक यू सो मच एवरीवन.